हेलो दोस्तों, कैसे आप सब लोग। मैं आपका होस्ट हूँ दोस्त अक्षय सलाथिया, वापस आ चुका हूँ अपनी नई वीडियो के साथ। और इस वीडियो में हम करने वाले अपना व्लॉग 3। और इस व्लॉग में हम जाने में जा रहे हैं अपने नानी घर। चलिए चलते हैं। हीरानगर में है और वहाँ पे एक जमशेदगढ़ फोर्ट भी है जिसे किले के नाम से जाना जाता है। और वहाँ पे झांडी भी है जो नहाने की जगह है, वहाँ पे मंदिर है, वो हम आपको दिखाएंगे। चलिए चलिए। क्रिकेट खेल रहे हैं यहाँ पे बच्चे। उधर से गया ट्रक। एक गाय माता देखो, इस पर टैग लगा है इनके। मैंने आपको कल कहा था कि हम यहाँ पे नहा धो के कल सुबह आएंगे, तो अभी हम नहा धो के आ चुके हैं। तो चलिए चलते हैं। 1:37 later। मेरी यहाँ पे बैठ हो गई। अभी हम माता के मेन द्वार में आ चुके हैं। अभी हम धीरे धीरे अंदर जा रहे हैं, तो मुझे बहुत सी अंदर से चहल पहल सुनाई दे रही है। अभी मैं अपने आप को नहीं रोक सकता। चलिए चलते हैं। चलिए अंदर। Thank you.
किसी को ऐसे आने नहीं दिया जाता है। वैसे हमने उनसे रिक्वेस्ट की थी हमें आने में और आपको हम ये दिखा रहे हैं। जय माता की। सभी भक्तजनों को मेरी तरफ से जय माता की और सभी को शरद नवरात्रों की शुभकामनाएं माता की तरफ से मेरी तरफ से। पापा जी आपको मैं यहाँ की हिस्ट्री के बारे में आज के डोगरा राज्य की पहचान ईरा नगर का जो किला है ये कोई कम से कम 500 साल पुराना है। ना 500 साल पुराना है। ये किला ईरा नगर को 1 किलोमीटर दूरी पर बने दा है। आज के जसोटे दे जेड़े राजे होए 1719 को लेके 1834 तक जसोटिया जेड़े राजे राज कीता और कम से कम 27 राजे होए जिन्हें ये राज कीता। आज के सन 1834 को लेके 1845 तक हीरा सिंह ने इथे राज कीता इस किले दे विच। बाद विच की होया कि एक किला जेड़ा वो राजा मरिया ते 1846 को लेके 1842 च राजा हीरा सिंह होया जिन ये हीरा नगर भी बसाया और इस किले दा राज इथे राज भी कीता। उदे मरने दे बाद ये किला जेड़ा
ये जरा जसो जम्मू के राजे हे ये जगीर ही जी राजा हीरा सिंह ही मिली ही अपने पिता ध्यान सिंह को जेडे लाहौर के प्रधानमंत्री हे इसी जम्मू कने मिला दिता गया। जब जम्मू कने मिली है किला तो यह किला खंडर बनी है। टेस्ट कराने कि इस किले की अच्छा बनाया गया और ये जो महाकाली का प्राचीन मंदिर है ये इन्ना बागे बहुआ लेखा विकसित हो सारा हीरानगर का जरा किला है सारा हीरानगर की जी आन है शान और पहचान है ये पूरे हिंदुस्तान क्या पूरे वर्ल्ड के ख्याति प्राप्त हो है। तो अस सारे रलिए फिर गौरमेंट की आशा करने कि इसी जल्दी को जल्दी पिकनिक स्पॉट बनाया जाए हिस्टोरिकल प्लेस बनाया जाए और जी जरूरी सूचना है वो मेरी तरफों श्री कृष्ण नाम की तरफों के एक स्ट्रक्चर है रही जेल का सिर्फ वो इसी गौरमेंट की जहाँ तो उसी हैरीटेज कन्वर्ट करे तो जहाँ इसी डिसमेंटल करिए इतने अच्छी कोई बिल्डिंग बनी है जिते कि श्रद्धालु राती आनी रोन और महाराणी का उस भगवती का आशीर्वाद लिए अपने जीवन की सफल बना अपने परिवार की सफल बना अपने देश की सफल बना यही मेरी शुभकामना है सारे की। जय माता दी। अभी हम यहाँ की साध्वी जी से बात करें। जय माता दी। जय माता दी। आप इनके बारे में हमें कुछ बात इसके लिए मैं अभी आप पहले महाराज स्वामी जी से बात कर रहे थे तो मैं भी जहाँ स्वामी जी तो बहुत टाइम से जहाँ पे रह रहे हैं क्योंकि फर्स्टली जिस मंदिर की जो भी सेवा है वही कर रहे हैं। मैं तो यहाँ 2004 से जहाँ पे आई हूँ अभी रहते रहते कम से कम मुझे 15 साल हो गए इसी मंदिर में रहते हुए और 15 साल के अंदर मेरा बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस है इस मंदिर में रहने का। जिस वक्त मैं इस मंदिर में आई हूँ तो मुझे तो मतलब कि अपने हालात अपनी कोई पर्सनल ऐसे रीजन से जिस वक्त मैं जहाँ आई हूँ जब मतलब मैं इस मंदिर में आया तो शायद मैं अपने जीने की भी उम्मीद छोड़ चुकी थी लेकिन यहाँ आके स्वामी जी की कृपा से जब माता रानी की कृपा से उसी का ही दिशा निर्देश होता है तो इंसान पहुँचता है। मैंने मतलब कि जहाँ रहने से मुझे मैं इतना बता दी जहाँ रहने से मेरी लाइफ सफर चुकी है। आप सब देशवासियों को गाँव वासियों को जो जो मेरी आवाज़ को सुन रहा है मैं यही कहती हूँ ज्यादा से ज्यादा लोग यहाँ जुड़े इस चैनल को सब्सक्राइब करें इससे जुड़े और इस मंदिर में भी आए इस मंदिर को भी देखें ये बहुत ही प्रभावशाली मंदिर है। लेकिन जो बताने से नहीं जो आके आओ इंसान अनुभव कर सकता है वो अपना अपना सबका अनुभव होता है। आप लोग भी आओ और मैं सबको नवरात्रों की शुभकामनाएं देती हूँ हार्दिक बधाई आपको नवरात्रों की। मैं यही कहती हूँ आप सबका जीवन मंगलमय हो और आपकी भी यात्रा शुभ हो माता रानी आप पे भी कृपा बनाए रखें। अभी हम यहाँ की पब्लिक से भी जानते हैं कि यहाँ पर कैसी सुविधा है। जय माता दी। सबसे पहले मैंने जितने भी यहाँ पर श्रद्धालु हैं आते हैं या जो YouTube के इस चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं या जो देख रहे हैं इस चैनल को मैं उन पीपल्स को उन लोगों को उन श्रद्धालुओं को नवरात्रों की हार्दिक शुभकामनाएं देती हूँ। और जो मैंने अपने 15 सालों से जो मैं माता रानी के दरबार से जुड़ी हुई हूँ मैं जहाँ पर हर नवरात्रों में आती हूँ हर मंगलवार को आती हूँ तो जो मैंने यहाँ पर एक्सपीरियंस किया है कि जो यहाँ के प्रबंधक हैं कृष्णानंद महाराज जी उन्होंने बड़े अच्छे ढंग से इस मंदिर को संभाला हुआ है। A few moments later. So guys, ये था मेरा आज का व्लॉग। I hope you like this. और guys, मैं सिर्फ आखिर में यही कहना चाहूंगा कि जो भी इस वीडियो को देख रहा है वो यहाँ पे एक ना एक बार जरूर आए और अगर गवर्नमेंट का कोई एम्प्लॉय ये देख रहा है तो प्लीज यहाँ पे आए और यहाँ पे डेवलपमेंट करे। धन्यवाद। 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 धन्यवाद।